तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास यहाँ पर, 2 upon 3x - 3 upon 2x इज इक्वल्स टू में 1 upon 12। तो पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 2 upon 3x है और माइनस का 3 upon 2x है इज इक्वल्स टू में 1 upon 12। मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर ना बेस सेम कर लिए, तो मैंने यहाँ पर दोनों में 2 से इंटू कर दिया और यहाँ पर दोनों में क्या किया, 3 से इंटू कर दिया, ताकि मेरे डिनोमिनेटर सेम हो जाए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना जो वेरिएबल है वो मेरा जो है वो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 4 upon 6x, यहाँ पर हो गया 9 upon 6x इज इक्वल्स टू में 1 upon 12। ऐसी है, अब जब बेस सेम है तो आप माइनस कर सकते हो, तो माइनस का 5 upon 6x बराबर में 1 upon 12 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का 5 into 12 डिवाइडेड बाय 6x इज इक्वल्स टू में तो 1 ही बचा हुआ है, तो 6 से इसको काटा तो 2 आ गया, x को उधर ले गई तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 10। अब वेरीफाई भी करना है, तो चलो देखते हैं क्या हमने x की वैल्यू सही निकाली है। तो पहले क्वेश्चन लिखा, ये रहा क्वेश्चन आपके पास, 2 upon 3x माइनस का है 3 upon 2x इज इक्वल्स टू में 1 upon 12। तो 2 upon 3 इंटू में x की जगह माइनस 10 लिख दिया, 3 upon 2 x की जगह माइनस 10 लिख दिया, 1 upon 12 ऐसी है। क्लियर, तो ये हो गया माइनस का 2 upon 30, ऊपर ले गई माइनस को, इस माइनस को इस माइनस के साथ प्लस कर दिया तो 3 upon 20 आ गया यहाँ, इज इक्वल्स टू में 1 upon 12 है। अब देखो अगेन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आपको डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से इंटू कर दिया और यहाँ पर क्या किया, 3 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 4 upon 60 और ये हो गया मेरे पास 9 upon 60 इज इक्वल्स टू में 1 upon 12 ऐसी है। क्लियर, अब बेस सेम हो गए, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 upon 60 इज इक्वल्स टू में 1 upon 12 हो गया। अब 5 की टेबल में 60 भी तो 12 पे ही आता है, तो 1 upon 12 इज इक्वल्स टू में आ गया 1 upon 12, लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल है ना, हो गया, तो ये हो गया हेंस वेरीफाइड। क्लियर, तो आज की क्लास में अगेन हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, क्वेश्चन 16 और क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, अभी इसमें क्वेश्चन 25 तक है इस एक्सरसाइज में, तो डेली बेसिस पे आपको 2-2 क्वेश्चंस इसके मिलते रहेंगे, और साथ के साथ ही चैप्टर नंबर 1 तो अपलोड हो ही रहा है चैनल पे, तो आप वहाँ से उसे भी कवर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।